Hello and welcome to Bhardwaj Wits. We are preparing for CTET paper 2, especially for science subject. In this video, we will study our 5th chapter, chapter number 5 of unit food. So let's start the video. Chapter number 5 is nutrition in animals. Nutrition in plants main already upload kar chuka hu, aap wahan se dekh sakte hain usse. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आज हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं उनसे रिलेटेड. सबसे पहले अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा. इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टडी करते हैं इसे. अमीबा सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है. तो यूनिसेलुलर दैट मीन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है ये. डैट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया. ठीक है, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, रोल प्ले करती है फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर फूड. तो यही चीज़ एक बार एक पेपर में पूछी गई थी कि विच पार्ट हेल्प इन मूवमेंट एंड कैप्चर फूड बाय द अमीबा. सो दिस इज सूडोपोडिया. तो किस तरह से होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, फूड वैक्यूल है, एंड इसको फूड कप भी बोला जाता है. जो मैंने फूड वैक्यूल दिखा रखा है, दिस इज फूड कप. ठीक है, सूडोपोडिया है. सूडोपोडिया हेल्प करती है फूड पार्टिकल का इनटेक करने में. फिर इंजेशन के बाद डाइजेशन होता है. डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज कर दिया जाता है. अमीबा की खास बातें ये हैं कि इसका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है. ठीक है, ना ही कोई ही इसका एक्सक्रीशन सिस्टम होता है. ठीक है, किसी भी फॉर्म में अपनी पोजीशन को, अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसे चेंज करती रहती है. ठीक है, तो ये हम कह नहीं सकते कि कौन सा पार्ट एजेशन के लिए यूज़ होता है और कौन सा पार्ट इंजेशन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, अब इस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस इन अमीबा. तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग. सेल ईटिंग, तो ये आपसे वर्ड पूछा जा सकता है, फैगोसाइटिस का मतलब क्या है, सेल ईटिंग होता है. और ये है क्या एक फैगोसाइटिस की, जो अमीबा के फूड के इनटेक की जो प्रोसेस है. ठीक है, जो होल ये प्रोसेस रिप्रेजेंट की गई है न्यूट्रिशन की अमीबा में, इसको क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस बोला जाता है. तो अमीबा के बाद हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें से एटलीस्ट वन क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलता है. तो सबसे पहले है इंजेशन, कि आखिर डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होती है. तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि जैसे ही हम फूड अपने मुंह में डालते हैं एंड उसे च्यू करना स्टार्ट करते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं, तभी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन बक्कल कैविटी. ठीक है, बक्कल कैविटी कहाँ, बक्कल कैविटी का दूसरा नाम क्या है, माउथ ही है. ठीक है, फ्रॉम वेयर सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम सीख, जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड से. सैलिवरी अमाइलेज का 3 से 4 बार पूछा जा चुका है अब तक सीटेट के पेपर में कि इसका काम क्या होता है. तो इसका काम होता है स्टार्च जो कि फूड में प्रेजेंट होती है. ठीक है, स्टार्च किस क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, तो जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होती है उसको ही सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना इसका काम होता है. ठीक है, तो यहीं से जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद है ओएसोफेगस. ओएसोफेगस बोला जाता है फूड पाइप को. द फूड पाइप अलाउज द फूड टू मूव डाउन ड्यू टू पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स. पेरिस्टेटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं कॉज्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. इनके थ्रू ही जो फूड है वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक तक पहुंचता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार सीटेट के पेपर में कि पेरिस्टेटिक किस मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है, या फिर ऐसा पूछ लिया कि जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक कैसे डिलीवर होता है, ग्रेविटेशन पुल की वजह से या फ्लूड की वजह से या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से. ठीक है, तो थर्ड पार्ट है स्टमक. स्टमक क्या है, फूड इज़ डाइजेस्ट हेयर फॉर 3 आवर्स. ठीक है, कब तक डाइजेशन होता है यहाँ पे, 3 आवर्स तक. और स्टमक में एक तरह से पार्शली डाइजेशन होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि 30% जो पार्ट है फूड का वो यहाँ डाइजेस्ट होगा, उसके बाद 60
50-60% जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मेजर पार्ट वही है डाइजेशन का, माइनर पार्ट स्टमक होता है। इट कंटेन्स नंबर फर्स्ट पार्ट म्यूकस। म्यूकस क्या होती है, होता है कि स्टमक में हम जाते हैं कि डाइल्यूट HCl होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो वो एसिड हमारे स्टमक को ही नुकसान ना पहुंचाती है, तो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, स्टमक का एक इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, एक लेयर टाइप होती है जो HCl से जो हमारा स्टमक है उसे प्रिवेंट करती है, बचाती है उसे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं, कि प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। बी पार्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करना, अगर कोई फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसे किल करने का काम करती है। दूसरा, फूड को एसिडिक बनाती है। एसिडिक बनाने का मतलब क्या है कि जो डाइजेशन है फूड का वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अच्छे से, तो जब फूड एसिडिक होगा, ये अभी आप आगे समझोगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट वन है डाइजेस्टिव जूसेस, कि कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, कि डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड बाय स्टमक लाइनिंग, ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन आवर फूड, कि जो स्टमक लाइनिंग होती है, मतलब स्टमक जो होता है उसमें जो डाइजेस्ट जूसेस होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो हमारे फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। और जो ये रोल है, ठीक है, कि प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करने का, ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, तो यही रोल होता है एक तरह से HCl का, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग, अच्छा रहेगा अगर याद कर लेंगे तो इसे द पार्शली, लेकिन फिर भी इसे स्मॉल क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये नैरो ट्यूब होती है, ठीक है, नैरो ट्यूब होती है ये, मतलब तो काफ़ी पतली ट्यूब होती है, ठीक है, इसलिए इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी टोटल लेंथ अगर देखें तो कम है, बहुत ही कम है, 1/5 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन उससे लार्ज इसलिए होते हैं बिकॉज उसकी वाइडर, एक तरह से ब्रॉड ट्यूब होती है, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। द पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है फॉर कंप्लीट डाइजेशन के लिए। तो इसके जो पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं इसके। नंबर वन वी हैव लीवर। तो लीवर क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, इसका काम क्या होता है, बाइल जूस को सीक्रेट करना, ठीक है, और बाइल जूस मेनली कहाँ पर स्टोर होकर रखता है, तो गैल ब्लैडर जो होती है वहाँ पे बाइल जूस सीक्रेट होता है, मतलब बाइल जूस रखा जाता है, स्टोर होता है, ठीक है, और ये सीक्रेट किसके थ्रू होता है, लीवर के थ्रू। इसका काम क्या होता है बाइल जूस का, फैट को डाइजेस्ट करने का काम होता है, ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस क्या होते हैं, तो पैनक्रियाटिक जूसेस क्या होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं पैनक्रियाटिक जूस में, तो ट्रिप्सिन, लाइपेस, अमाइलेस, मेनली ये 3 पार्ट होते हैं, उसके अलावा भी 2-3 पार्ट और होते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करना, ठीक है, और ये किसका, एक्चुअली प्रोटीन का, प्रोटीन डाइजेशन रिलेटिव जो एंजाइम होता है वो होता है प्रोटीज, ठीक है, प्रोटीज। तो प्रोटीज के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन जो कि पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एक और होता है पेप्सिन, पेप्सिन का काम भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करना होता है, लेकिन ये स्टमक में प्रेजेंट होता है, ये दोनों प्रोटीन के बाद। एक और थर्ड होता है वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद है लाइपेस, लाइपेस का काम होता है फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अमाइलेस, अमाइलेस का काम होता है कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो तीनों ध्यान रखने हैं कि फैट का डाइजेशन कौन करता है, एक तो बाइल जूस करता है लिवर में, पैनक्रियाटिक जूस कौन सा करता है, लाइपेज, प्रोटीन का डाइजेशन ट्रिप्सिन और पेप्सिन करते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूछें तो ट्रिप्सिन, स्टमक में पूछें तो पेप्सिन, और हमारे
पैनक्रियाटिक अमाइलेज कौन सा काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का, और सेलिवरी अमाइलेज क्या काम करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का। विली से 3 बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक, हर बार नॉर्मली की टाइप का क्वेश्चन होता है। तो है क्या, द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, इसको क्या बोला जाता है, विली बोला जाता है। विली क्या होती है, थिन वॉल्स होती हैं इसकी, ठीक है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इसका काम क्या होता है, इंक्रीज करना सरफेस एरिया को फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड हेयर। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो किस में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं अगली के लिए। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, वाइड ट्यूब होती है 1.5 मीटर लॉन्ग, और स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है 7.5 मीटर लॉन्ग। तो एक बार पेपर में इनका रेशियो पूछा गया था कि इन दोनों का रेशियो कितना होता है, तो कितना होता है 5:1 स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड पासिस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो वाटर मोस्ट ऑफ द वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है फूड में से, और उसे कहाँ भेज दिया जाता है, फिर रेक्टम में भेज दिया जाता है। अच्छा, एक और बात है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक तरह से डाइजेशन होता ही नहीं है फूड का, बिकॉज इसमें आता ही अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जिस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है एक बार पेपर में, ठीक है, कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन तक ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। सलाइवा, ये भी पूछा गया है, सलाइवा टेस्ट फॉर इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। कि देखिए, फूड हम सिंपल फूड लेंगे, राइस का एक सॉल्यूशन बन, पके हुए राइस का, बॉइल्ड राइस का एक सॉल्यूशन बनाएंगे पानी में, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा, बिकॉज उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो फूड है वो चबा, हमने वो राइस खा लिए, ठीक है, खाए मतलब दांतों से चबाए, एंड उसके बाद अगर हम उसे कंटेनर में लेके उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई कलर अपीयर नहीं होगा, इसलिए बिकॉज जो हमारा सलाइवा है वो उसने क्या कर दिया है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब स्टार्च है ही नहीं, ठीक है, तो आयोडीन सॉल्यूशन कोई टेस्ट नहीं देगा। आयोडीन सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट होता है कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस के लिए, स्टार्च के प्रेजेंस के लिए, ठीक है, पढ़ा था ये काफ़ी टाइम, कंपोनेंट ऑफ फूड में भी पढ़ा था हमने। तो सलाइवा का काम क्या करता है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है, और कौन सी शुगर में ब्रेक करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्टोस में, ठीक है। अगर ये भी पूछा जाए कि कौन सी शुगर में ब्रेक करता है, ग्लूकोज में, माल्टोस में, लैक्टोस में, तो माल्टोस में ब्रेक करता है। उसमें हिकअप्स क्या होते हैं, हिचकियाँ, तो हिचकियाँ का कॉज क्या होता है, इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, तो जस्ट मैंने मेनली जो इस पर क्वेश्चन आ सकता है वो डाल दिया है कि हिकअप सफर ड्यू टू चोकिंग ऑफ फूड इन द पॉइंट पाइप। कई बार क्या होता है, हम खाते टाइम क्या होता है कि कुछ जो फूड का पार्ट है थोड़ा वो जो विंड पाइप है उसमें अटक जाता है जाके, ठीक है, तो जो हिचकियाँ हैं, हिचकियों के थ्रू जो वो फूड पक्का पार्ट है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, तो तब तक जब तक वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है, तब तक हिचकियाँ कंटिन्यू होती रहेंगी, तो यही मेन रीज़न होता है, ड्यू टू चोकिंग ऑफ फूड इन द विंड पाइप, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें टीथ से अब तक कभी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 2003 में उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है हमें। टीथ में सबसे पहले आते हैं इंसीजर्स कौन से होते हैं, बाइटिंग टीथ, यही पूछा जाता है कि बाइटिंग टीथ कौन से हैं, तो वो कौन से होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, ठीक है, बाइटिंग टीथ 8 होते हैं टोटल नंबर में। देन होते हैं कैनिनस कौन से होते हैं, टीयरिंग टीथ होते हैं, ठीक है, टीयरिंग टीथ ये कितने होते हैं नंबर में, 4 होते हैं ये, ठीक है, 2 लोअर जो में होते हैं और 2
अपर जॉ में होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, तो ये जिस ऑर्डर में मैंने बताए हैं इसी ऑर्डर में होते हैं हमारे माउथ में, ठीक है, फ्रंट से बैक तक। तो यही ऑर्डर 2003 में पूछा गया था। सबसे पहले इंसीजर आते हैं, फिर कैनिनस आते हैं, फिर प्रीमोलर एंड देन मोलर। तो प्रीमोलर का काम क्या होता है, च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग ऑफ फूड, ठीक है, च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग कहे तो प्रीमोलर्स हैं। फिर मोलर, और ये होते हैं 8, मोलर्स होते हैं च्यू फूड 12, ठीक है, मोलर्स क्या होते हैं च्यू फूड 12। तो एक तो इनमें से पूछा जाता है कि बाइटिंग के लिए कौन से यूज़ होते हैं, इनके फंक्शन पूछ सकता है, ठीक है, टीयरिंग की किसको क्या बोलते हैं, क्या इनर्स होते हैं, क्या होते हैं। फिर दूसरा ये पूछ सकते हैं, ऑर्डर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसमें कि टेम्परेरी टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। टेम्परेरी टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ जो बेबी के होते हैं इस तरह से, ठीक है, जो वो चाइल्डहुड तक चाइल्डहुड ड्यूरिंग चाइल्डहुड वो ब्रेक होने लगते हैं और नए टीथ आने लगते हैं। सो मिल्क टीथ टोटल कितने होते हैं 20, और एक अडल्ट ह्यूमन बींग में कितने टीथ होते हैं, अडल्ट ह्यूमन बींग में कितने टीथ होते हैं 32। तो जो जिस टाइप के टीथ टेम्परेरी टीथ का पार्ट नहीं होते वो कौन से होते हैं, मोलार्स होते हैं। मोलार्स ही ऐसे होते हैं, मोलार्स इज रिलेटेड टू मेचोरिटी, ठीक है, तो जो अडल्ट में होते हैं मोलार्स। तो यही पूछा जाएगा कि कौन सा मिल्क टीथ का पार्ट नहीं होते, ठीक है, तो कौन से होते हैं, मोलार होते हैं। उसके बाद है पल्प कैविटी, तो पल्प कैविटी क्या होती है, ये टूथ का ही पार्ट होती है, डैट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमें जो कि सेंसिटिविटी को नोट करती हैं एक तरह से, जब भी हमको ठंडा या गर्म खाते हैं तो सेंसेशन जो होते हैं वो वाली चीज़ें, ठीक है, वो किसकी किस मतलब कौन करता है ये काम, पल्प कैविटी करती है। विजडम टीथ क्या होते हैं, कि विजडम टीथ कब अपियर होते हैं, एट द एज ऑफ 18 to 20, उस 18 पे जो अडल्ट, ठीक है, पे जो चाइल्ड है वो अडल्ट हो जाता है, मेजॉरिटी गेन करने लगता है, उसी टाइम पे उसमें जिस टाइम आती है। तो विजडम टीथ ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन उस टाइम पे कुछ कुछ लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है, 18 to 20। टूथ टिके में इंपॉर्टेंट है कि टूथ टिके होता कब है, कि जब pH जो होता है माउथ का वो बिलो हो जाता है 5.5 से, ठीक है, एग्जैक्ट pH पूछा जा सकता है कि टूथ टिके की कंडीशन क्या होती है। कंडीशन क्या है, तो देन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5 देन टूथ टिके अकर। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एनेमल क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, जो कि किसका पार्ट होता है, टीथ का पार्ट होता है, ठीक है, ये डिके होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर डेली ब्रश नहीं करोगे तो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। और ये इस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, एसिड बनाना, ठीक है, ये क्या करेगा, एसिड बनाएगा जिससे हमारे जो माउथ का pH है वो लोअर होने लगेगा, गिरने लगेगा, ठीक है। किसकी वजह से होगा, बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया का काम क्या होगा, एसिड बनाना जिससे लोअर होगा pH। इट कैन, अब ट्रीट कैसे कर सकते हैं इसको, तो बिकॉज एसिड हो रही है मुंह में तो एसिडिक है, तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग बेसिक टूथपेस्ट, ठीक है। टंग में सिर्फ यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसकी, टेस्ट करती है, डिटेक्ट करती है टेस्ट को बाय यूजिंग टेस्ट बड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब ये ऑर्डर पूछा जा सकता है, एक तो कि सबसे पहले स्वीट का पता चलता है, फिर सॉल्टी का, फिर सोर का, फिर बिटर का, ठीक है, यही पूछ सकते हैं इसमें ये ऑर्डर टाइप। या फिर क्या पूछा जा सकता है, कि जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो किसका बताता है, बेटर का। सबसे पहले दो पार्ट कौन से होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स में कौन से पार्ट होते हैं, जो किस तरह के टेस्ट प्रेजेंस कराते हैं, तो ये सब है टंग में। उसके बाद है न्यूट्रिएंट इन रूमिनेंट्स, इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से देखना है। द सेल्यूलोस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड ऑफ ह्यूमिनेंट, ठीक है, जो सेल्यूलोस किसमें प्रेजेंट होता है, ग्रास में प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोस क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरह का, ठीक है, तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, ग्रास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल्यूलोस को हम नहीं खा सकते, ठीक है, ह्यूमन बींग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी बॉडी में इसे डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ओके, ठीक है, इसीलिए जो, और यही चीज़
लायन के साथ ही उठे, लायन या टाइगर के साथ इसलिए उठा कि जो शेर होता है वो घास नहीं खा सकता, बिकॉज उसकी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब रूमिनेंट्स होते क्या है, मतलब वर्ड का मीनिंग क्या है, उन एनिमल्स को रूमिनेंट्स बोला जाता है जो जिनकी फूड न्यूट्रिशन लेने की प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है। पहले वो फूड लेंगे, फर्स्ट काम उनका क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को अपनी बॉडी में स्टोर करना, तो जस्ट खाते जाएंगे चबाएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद जब खा लेंगे अपना फूड ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद स्टैंड पे वो फूड को चबाएंगे, फिर उसके बाद वो बाकी डाइजेस्टिव जूसेस मतलब डाइजेशन के लिए जाएगा। ठीक है, तो जिसमें इस तरह की जो प्रोसेसेस होती हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर रूमिनेंट्स। ठीक है, तो कौन से आते हैं उसमें, बफेलो आती है, काउ आती है, डियर आता है। ठीक है, नॉर्मली ग्रेजुएटिंग नॉर्मली ही आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना डॉग कैट, ठीक है, ये ऐसे नहीं करते, ये जस्ट चबाते हैं और इनमें ये रूमिनेंट वाला नहीं होता। तो है क्या रूमेन क्या होता है, रूमेन इज कंपार्टमेंट वेयर स्टोरेज ऑफ फैलोइंग फूड टेक प्लेस। नाउ द च्यूड फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। पहले से स्टोरेज होता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो वापस से एनिमल के माउथ में जाता है, एनिमल च्यू करते हैं उसे, और च्यू हो जाने के बाद वो वापस से रूमेन में ना जा करके कहाँ पर चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है डाइजेशन के लिए। फिर वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। अमीबा का जिसमें बताया, कोई भी माउथ नहीं होता, ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता होता है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, कुंड में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हमने कोई ऐसा पानी पी लिया जिसमें अमीबा कंटेन है या अमीबा का कोई पार्ट है, ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे हमें एक तरह से अमीबॉइक डायसेंट्री हो जाएगी। ठीक है, अमीबा की वजह से ये बीमारी होती है, डायसेंट्री हो जाएगी। सर एक और है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड मैंने बताया था कहाँ होता है, स्टमक में होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसके जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन और जो भी इसके एक्सरसाइज है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।